राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का बड़ा बयान सामने आया। कहा, असत्य पर सत्य की विजय है। राहुल गांधी देश की आवाज है। उनकी आवाज को फासिस्टवादी ताकतों ने दबाने की बहुत कोशिश की। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के भारत माता के खिलाफ बोलने वालों की जान लेने में संकोच नहीं करेंगे वाले बयान पर अरुण यादव ने कहा कि वही लोग हैं जिनका इतिहास आपको मालूम है। जब देश आजाद हो रहा था तब ये कहाँ थे। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार द्वारा आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग को लेकर यादव ने कहा कि अभी कमलनाथ के नेतृत्व में हमने सरकार बनाने का संकल्प लिया है, उसी संकल्प को हम पूरा करेंगे। पैदल आस्था यात्रा के समापन पर भोइंदा पहुंचे थे अरुण यादव और सचिन यादव। सदस्यता बहाल कर दी गई है। ये असत्य पर सत्य की विजय है। राहुल गांधी देश की आवाज़ है और उनकी आवाज़ को देश की फासिस्टवादी ताकतों ने दबाने की संपूर्ण कोशिश की। जो कोर्ट का निर्णय आया है उसका, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उसका हम सम्मान करते हैं और राहुल जी के नेतृत्व में ये संघर्ष, देश का संघर्ष, देश की युवाओं का संघर्ष, देश के आम जनता का संघर्ष हम आगे करते रहेंगे। भैया, कैलाश विजयवर्गीय का बयान है कि भारत माता के विपक्ष में बोलने वालों की जान से मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। ये मैंने कहा कि ये वही लोग हैं जिनका इतिहास आपको पता है। ये मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हो रहा था जब ये लोग कहाँ थे, संगी कहाँ थे जब देश आज़ाद हो रहा था। ये कांग्रेस नेता उमंग सिंघार है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, ये अभी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में देश प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का हमने संकल्प लिया है और उसी संकल्प को आगे बढ़ाएंगे।